कभी भारत महाशक्तियों के भरोसे था, तो आज महाशक्तियां भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही हैं। ये है पीएम मोदी के नेतृत्व के 3 सालों का कमाल। आखिर 3 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें ग्लोबल लीडर बना दिया? चलिए ऐसे ही 10 बिंदुओं पर डालते हैं नजर। पीएम मोदी चाहे देश में हो या विदेश में, जिस अंदाज में वो लोगों को संबोधित करते हैं, उनसे जुड़ी बातों को दुनिया के सामने रखते हैं, उसका कायल आज हर कोई है। डोकलाम विवाद पर चीन ने लगातार भारत को युद्ध की भभकियों से डराया, लेकिन पीएम मोदी ने इस मामले को सिर्फ अपनी कूटनीति से ही सुलझा दिया। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने का काम सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर पाए। उन्होंने ही सबको बताया कि आतंकवाद आतंकवाद होता है, ये ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है। आज बड़े बड़े देश भारत के साथ हैं। पाकिस्तान और म्यांमार पर सर्जिकल स्ट्राइक कर पीएम मोदी ने दुनिया को ये बता दिया कि आज भारत दुश्मन के घर में घुसकर उसे सबक सिखाने का दम रखता है। पीएम मोदी की कूटनीति की वजह से पाक दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुका है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकवाद के खात्मे के लिए अब अमेरिका को भी भारत की मदद मांगनी पड़ रही है। खुद यूनाइटेड नेशंस ने माना कि भारत विश्व शांति का सबसे बड़ा पैरोकार है। पड़ोसी देशों के साथ शांति स्थापित करने के प्रयासों पर दुनिया पीएम मोदी की तारीफ करती है। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को नसीहत दी कि हर देश कार्बन उत्सर्जन को कम करे। उन्होंने भारत में भी 2030 तक ऊर्जा जरूरतों का 40% हिस्सा रिन्यूअल एनर्जी स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये पीएम मोदी का ही दम है कि यूएन में उनके प्रस्ताव को 192 देशों का सहयोग मिला और 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। जिस तरह से भारत में पीएम मोदी ने नोटबंदी जैसा कड़ा फैसला लिया और फिर जीएसटी जैसा बड़ा फैसला, उसका लोहा दुनिया मान रही है। हर कोई कह रहा है कि भारत की तकदीर इन्हीं फैसलों से बदलेगी। पीएम मोदी के देश में शुरू किए गए स्वच्छता अभियान की आज दुनिया कायल है। जिस तरह से सफाई के छोटे से मुद्दे को उन्होंने इतनी अहमियत दी और अभियान चलाया, उससे दुनिया भर में उनका मान बढ़ा है। आज पीएम मोदी को दुनिया का हर बड़ा नेता ग्लोबल लीडर मान रहा है।